लोकसभा के जंग में यूपी में बड़ी कामयाबी के बाद यूपी के दो नेता यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अब बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की शुरुआत कर दी है। निशाना 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन उससे पहले सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस इनमें से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस सपा के साथ मिलकर बिसात बिछाना शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 2027 में एसपी कांग्रेस का गठबंधन योगी सरकार को सत्ता से बाहर कर देने का है। यूपी की 80 में से 43 सीटें जीतने के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हुए हैं। अब तो ये भी तय हो चुका है कि राहुल गांधी की राजनीति का सेंटर रायबरेली होगा, इसीलिए जोश हाई है। बता दें कि यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। उपचुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो सीटें फूलपुर, मझवा, मीरपुर, मिलकपुर, करहल, कुदरकी, गाजियाबाद, कटहरी, खैर पर उपचुनाव होने हैं। हाल ही में लोकसभा में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन पहले से मुकाबले की कई सीटों पर मजबूत हुआ है। वहीं 2022 से कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। यहां ये समझना जरूरी है कि 2024 में एनडीए से ज्यादा सीटें जीतने के अलावा इंडिया के हिस्से में वो कौन सी कामयाबी आई है जो उपचुनाव के साथ 2027 की लड़ाई के लिए बूस्टर डोज दी गई है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलाकर यूपी में गठबंधन को 43.52% वोट मिले हैं, तो वहीं एनडीए को 43.69% वोट मिले हैं, यानी पल्ला लगभग बराबर का है। वहीं अगर विधानसभा सीटों के हिसाब से लोकसभा के सीटों के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो राज्य के 403 विधानसभा सीटों में से एनडीए को जहां 174 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली, वहीं विपक्षी गठबंधन 224 सीटों पर आगे रहा। यही वजह है कि राहुल की यूपी के सियासी जमीन पर टिके रहने के फैसले के बाद यूपी में कांग्रेस का मनोबल ऊंचा हो गया है और सीधे 2027 से जीतने की बात होने लगी है। अखिलेश के साथ मिलकर राहुल गांधी लोकसभा वाले मुद्दे को आगे ले जाने की तैयारी में हैं। यानी अखिलेश का पीडीए और अग्निवीर योजना, जातीय जनगणना, रोजगार और महंगाई के मुद्दों को लेकर उपचुनाव में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक और जहां यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा हो रही है, वोट कम होने के पैटर्न देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि जिस तरह पीएम मोदी के चेहरे के बावजूद राहुल और अखिलेश की केमिस्ट्री ने यूपी में चुनावी गणित में एनडीए के फॉर्मूले को फेल कर दिया है, उस लिहाज से 10 सीटों पर उपचुनाव और 2027 की जंग ज्यादा आसान होगी। आपको क्या लगता है, लोकसभा के चुनाव में कामयाबी के बाद यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की जंग में अखिलेश के साथ राहुल गांधी फिर बीजेपी को तगड़ा झटका दे पाएंगे या नहीं, ये हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।